एक लड़के को अपने नेबर में रहने वाली लेडी अच्छी लगने लग जाती है। उसके बारे में उसने और भी जाना तो बहुत सारे राज बाहर आए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अमेरिकन अफेयर 2008 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक कमिंग ऑफ एज मूवी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर एडम को देख सकते हैं। एडम अपने स्कूल में था। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि वो लड़का तुम्हें गे बुला रहा है, कि इसके बारे में तुम कुछ भी नहीं करोगे, वैसे भी तुम कुछ कर भी नहीं सकते। इस तरीके से चिढ़ाने के बाद एडम के फ्रेंड ने उस लड़के को बहुत मारा। जब ये फाइट खत्म हुई तो एडम को भी मारता है। एडम एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ की सिस्टर वहाँ पर आई और इन दोनों को लेकर जाती है। इन दोनों को एक दिन के लिए डिटेंशन में डाल दिया गया था। एडम का फ्रेंड उससे बहुत ही गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से फाइट हुई थी। एडम भी रियलाइज करता है कि उसका यह करना बहुत ही गलत था तो उसे वो सॉरी भी कहता है। आज जो फाइट हुई थी इसमें एडम का टीथ टूट चुका है। वो घर जाकर इसे ग्लू से चिपका लेता है। रात में डिनर करते वक्त कुछ न्यूड मैगजीन्स वो पढ़ रहा था, तभी अपनी नेबर पर उसकी नजर पड़ती है। उसकी नेबर हमारी और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है कैथरीन। कैथरीन किसी आदमी के साथ थी, उसने कुछ ज्यादा पहना नहीं था। एडम उसे देखकर एक्साइटेड हो गया। वो अपने आप को प्लीज करता है। वो कैथरीन को लेकर बहुत ही क्यूरियस था। अपनी स्कूल खत्म हो जाने के बाद उस पर वो नजर रखता है। अपनी दूरबीन से उसके घर पर कौन आता है कौन जाता है इसके बारे में उसे पता चलने लग गया। एक दिन जब वो घर पर नहीं थी तो जाकर उसका मेल वो लेकर आया। इस मेल में उसे प्रेसिडेंट कैनेडी का लेटर मिलता है। ये हमारी स्टोरी उस टाइम की है। वो जब मेल पढ़कर बाहर आ रहा था तो कैथरीन ने उसे नोटिस किया। वो पूछते हैं, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? एडम ने कहा कि मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे यूरोप पर ट्रिप पर जाना है। इसके लिए थोड़े से पैसे अगर मेरे पास हो गए तो अच्छा होगा। अगर आपके पास कोई काम है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कैथरीन ने उसे घर में इनवाइट किया। पूछती है, तुम क्या कर सकते हो? एडम ने कहा कि यूजुअल जो भी चीजें होती है, घर का काम, गार्डन, ये सब मैं मैनेज कर सकता हूँ। कैथरीन भी एडम को गार्डन का काम देने के लिए मान जाती है। कैथरीन के घर में उसका और प्रेसिडेंट कैनेडी का फोटो था। कैथरीन कहती कि वो मेरा फ्रेंड है। प्रेसिडेंट कैनेडी का फ्रेंड होना है बहुत ही बड़ी बात थी। एक बार जब एडम की मदर प्रेसिडेंट से मिली थी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। एडम रात में हमेशा कैथरीन को खिड़की से देखता है, उसके फोटोज भी लेता है। अगले दिन स्कूल में एडम की फ्रेंड फेथ उससे बात करती है, उसे लाइक करती थी तो आज शाम उसने अपने घर पर उसे बुला लिया। बहाना तो सिर्फ म्यूजिक सुनने का था। ये बात कर पाते उससे पहले वहां पर सिस्टर आ गई। एडम के कान खींच कर उसे वहां से लेकर जाती है। घर आने पर एडम कैथरीन के पास पहुंचता है। उसे कहता है कि आपने मुझे गार्डन का काम दिया था। कैथरीन के घर में एडम ने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी, ये सब कैथरीन की पेंटिंग्स थी। एडम कहता है, इसमें तो सिर्फ मुझे कलर दिखाई दे रहे हैं, उसे कुछ भी लोग वगैरह कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देते। कैथरीन कहती है, तुम्हें उसमें जो भी देखना है वो तुम देख सकते हो। वैसे भी इसका फॉर्म डेड हो चुका है, इसका मतलब है ये स्लोली स्लोली मर रहा है। वो फिर एडम को अपनी गार्डन दिखाने के लिए लेकर गई। एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन थी, पर कैथरीन कहती है मुझे इसे पूरी तरीके से मिटा देना है, इसके बाद वो फिर से प्लांट करेगी। एडम भी समझ गया कि इस गार्डन के फूल मुरझा जाते हैं, इस वजह से कैथरीन इसे फिर से बनवा रही है। एडम गार्डन में काम करने लग गया और थोड़ी देर बाद कैथरीन उसके पास आई और वो बहुत ही अच्छे से ड्रेस थी। एडम कहता है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। कैथरीन हंसती है और वहां से चली जाती है। एडम जब रात में घर पर आया तो उसके मदर फादर नोटिस करते हैं उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा खराब है। वो कैथरीन के लिए अब काम करता है इसके बारे में उसने उन्हें बता दिया। इस बात से उसकी मदर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। उसे समझाती है कि कैथरीन एक अलग टाइप की लेडी है, वो हमारी तरह नहीं है, उसने बहुत ही अलग अलग चीजें की हुई है। वो उसे इनडायरेक्टली बता रही थी कि कैथरीन का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। एडम कहता है कि आपने ही तो कहा था कि मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए। ये बात एडम के फादर को भी सही लगी। वो कहते हैं, तुम काम तो कर सकते हो पर काम हो जाने के बाद डायरेक्टली घर पर आना। आज रात फिर से एडम कैथरीन के घर के सामने नजर रख रहा था तो उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी। उसने अपनी दूरबीन लगाकर देखी तो प्रेसिडेंट कैनेडी को वहां देखता है। वो इस बात से शॉक्ड हो गया। अगले दिन गार्डन पर काम करते हुए उसने कैथरीन से कहा कि आप जब बोल रही थी कि प्रेसिडेंट कैनेडी आपका फ्रेंड है तो आपने बहुत ही सच कहा था, मैंने कल रात उन्हें आपके घर में देखा। कैथरीन गुस्सा होकर बोलती, इस बारे में तुम भूल जाओ, कभी भी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, कुछ चीजें प्राइवेट रखनी चाहिए। एडम को अपने पेरेंट्स से पता चला था कि कैथरीन का भी एक बेटा था, इसके बारे में भी उससे पूछ लेता है। कैथरीन कहती कि अब वो तुम्हारी एज का होता, वो बहुत ही स्वीट था। कैथरीन एडम को अपने बेटे की तरह समझती है या एडम को अच्छा नहीं लगता। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कैथरीन और उसका हस्बैंड इन दोनों में फाइट है। थोड़ी देर में जब कैथरीन घर से बाहर गई तो एडम उसका पीछा करता है। कैथरीन आज लुशियन से मिलने के लिए गई थी। लुशियन एक्चुअल में कैथरीन की एजेंसी के लिए काम करता था। इनकी एजेंसी इन्फ्लुएंशियल लोगों को जैसे प्रेसिडेंट, बहुत बड़े बिजनेसमैन, इन लोगों को लड़कियां सप्लाई करने का काम करती है। लुशियन कैथरीन को प्रेसिडेंट कैनेडी को कुछ बताने के लिए कह रहा था। वो एक पॉलिटिकल बात को लेकर प्रेसिडेंट को कुछ समझाना चाहते थे
पर कैथरीन की उससे उस तरीके से बात नहीं होती। कैथरीन कहती है कि वो मेरा कुछ भी सुन नहीं रहा। उस रात जब वो प्रेसिडेंट से मिली थी वो लास्ट टाइम था। आज शाम फेथ ने एडम को अपने घर पर बुलाया था। उसके घर पर जाता है, ये म्यूजिक सुनते हैं और फिर किस करने लग गए। किस करते करते एडम का दांत निकल आया जो उसने ग्लू से चिपकाया हुआ था। ये फेथ को बहुत ही घटिया लगा। कहती है इस दांत को तुम फिक्स करवा दो, इसके बाद हम फिर से मिलेंगे। जब एडम ने अपने पेरेंट्स को बात बताई कि उसका दांत टूट चुका है तो उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्हें लगता है कि इसके बारे में उसे पहले बताना चाहिए था। वो कैथरीन के घर पर काम कर रहा है, टूथ के बारे में नहीं बताया। इन सब बातों से मदर बहुत ही अपसेट थी। एडम भी अपसेट होकर कैथरीन के घर के बाहर घूम रहा था। उसने अंदर देखा कि पार्टी चल रही है। वो खिड़की से देखने लग गया, तभी कैथरीन का हस्बैंड जिसका नाम है ग्राहम ये उसे पकड़ लेता है। उसने कहा कि इस तरीके से नजर रखना गलत बात होती है, मैं तुम्हें जेल में भी डाल सकता हूँ। उसे पकड़कर घर के अंदर लेकर आया। कैथरीन ने अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रग किए थे। ग्राहम उसे कहता है कि तुम्हें हो क्या गया, तुम इतनी दूर क्यों चली गई। कैथरीन कहती है हमारे बेटे की डेथ हो जाने के बाद तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए था। ग्राहम भी यही बात चाहता है, वो फिर से अपनी फैमिली को पाना चाहता है, पर इन दोनों में बहुत बड़े झगड़े थे। ग्राहम ने ही कैथरीन को प्रेसिडेंट के साथ इंटीमेट होने के लिए कहा था। कैथरीन कहती कि हमने जो भी किया इसके बारे में सब लोगों को बताया और सब लोग हम पर हंसते हैं। ग्राहम को भी बुरा लगा और वहां से चला जाता है। अगले दिन एडम ने ग्राहम पर भी नजर रखी। ग्राहम इस बार लुशियन से मिल रहा था। ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कैथरीन का क्या किया जाए। ग्राहम लुशियन से कहता है कि कैथरीन के पास एक डायरी है, उसके साथ जो भी होता है इस सब के बारे में उसमें लिखती रहती है। ये डायरी होना एक बहुत ही बड़ा रिस्क था, पर ये कैथरीन के लिए एक सेफ्टी है। अगर उसकी एजेंसी ने उसे हर्ट करने की कोशिश की तो सारी चीजों एक्सपोज कर सकती है। इस डायरी के बारे में सुनने के बाद कैथरीन जब घर पर नहीं थी तो एडम उसके घर में आ जाता है, डायरी को ढूंढ लेता है। अचानक से कैथरीन भी किसी और के साथ वहां पर पहुंच गई थी। एडम क्लोजेट में छुप गया और उन दोनों को इंटीमेट होता देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद कैथरीन ने कहा कि मुझे बताए कि तुम यही हो, तुम्हारा बैग बाहर ही पड़ा था। एडम उसे सॉरी कहता है, पर कैथरीन ने कहा तुम सिर्फ क्यूरियस थे। वो उसे वार्न करती है कि फिर से ये सब होना नहीं चाहिए। आज रात एडम और उसके सब फ्रेंड्स की पार्टी थी। इसमें वो एक गेम खेलते हैं जिसमें एडम और फेथ को दोनों को एक मिनट के लिए क्लोजेट में जाना पड़ता है। एडम ने फेथ से कहा कि मैंने अपना टूथ फिक्स करवा लिया है, इसके बाद वो किस करने लग गए। जिस तरीके से एडम ने कैथरीन को इंटीमेट होता देखा था उसी तरीके से वो फेथ के साथ भी इंटीमेट होना चाहता था, पर इस बात से फेथ जरा अनकंफर्टेबल हो गई। वो उस पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। एडम जब घर पर आया तो कैथरीन के घर से बहुत ही लाउड म्यूजिक चल रहा था। उसे देखने के लिए वो पहुंच जाता है। वो बाहर ही बारिश में भीग रही थी। वो एडम को देखकर उसके साथ घर में आती है। वो ड्रिंक ले रही थी तो उसने एडम को भी ड्रिंक ऑफर किया। इसके बाद वो एडम के साथ पेंट करने लग गई। एडम ने कैथरीन को किस करने का ट्राई किया पर कैथरीन उसे रोक लेती है। इसके बाद ये दोनों पेंट से ही खेलने लग गए। सुबह मॉर्निंग में हम देखते हैं कि एडम के पेरेंट डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअल में एडम के फादर का एक न्यू जगह पर ट्रांसफर हुआ था। मदर एडम के लिए जरा वरीड थी कि अकेले उसे किस तरीके से मैनेज करेगी। जब वो उसे उठाने के लिए गई तो उसके सारे कपड़े कलर से भरे हुए थे। इस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और रात में कैथरीन के पास था, ये बात पता चलने के बाद वो फादर से कहती है कि अभी के भी उसके पास जाओ, उसे कहो कि एडम से कोई भी रिलेशनशिप ना रखे, एडम को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। फादर जब कैथरीन के पास पहुंचे तो लुशियन वहां पर आया हुआ था। लुशियन उससे बात करता है तो फादर के बारे में लुशियन को सब चीजें पता थी, यहाँ तक कि उनका ट्रांसफर भी होने वाला है, इसके बारे में वो बोल लेता है। ये सब बात सुनकर फादर बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्होंने कैथरीन से कहा कि प्लीज एडम को कोई भी काम मत देना। कैथरीन भी इस बात के लिए मान जाती है। घर पर आने पर फादर भी एडम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहते हैं कैथरीन से कोई भी रिलेशनशिप अब तुम्हें नहीं रखनी है, तुम स्कूल जाओगे और सीधा घर पर आओगे। आज लुशियन कैथरीन को समझा रहा था कि तुम प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो चीजें बदलनी चाहिए वरना प्रेसिडेंट को ही बदलना पड़ेगा। कैथरीन समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। उसने प्रेसिडेंट को कॉल कर वार्न करने की कोशिश की पर उसे पूरी तरीके से वो इग्नोर कर रहे थे। रात में वो व्हाइट हाउस पर भी जाकर आती है। वहां के गार्ड से उसने पूछा अगर प्रेसिडेंट को कोई गोली मार रहा हो क्या तुम उसके सामने आ जाओगे। गार्ड कहता है मैं मेरी ड्यूटी ऑनेस्टली करूंगा। इसके बाद मूवी में प्रेसिडेंट कैनेडी का असैसिनेशन हो जाता है। एडम को जब ये बात पता चली तो कैथरीन के पास आया। वो बहुत ही डिस्टर्ब थी, रो रही थी। एडम उसे सहारा देता है। कैथरीन कहती है इसमें मेरी गलती नहीं थी, मैंने उसे वार्न करने की बहुत कोशिश की थी। मौके का फायदा उठाकर एडम कैथरीन के साथ इंटीमेट होना चाहता था पर कैथरीन गुस्सा होकर उसे वहां से निकाल देती है। कैथरीन को पता चला कि उसकी नोटबुक गायब है, ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वो एडम के घर पर आई पर मदर उसे बात करती है, एडम से उसे मिलने नहीं देती। कैथरीन ने कहा कि एडम के पास मेरी एक चीज है, प्लीज उसे वापस करने के लिए कहिए। घर पर कैथरीन से मिलने के लिए उसका हस्बैंड ग्राहम आया हुआ था। उसे कहता है
प्लीज नोटबुक वापस कर दो, इससे तुम बहुत ही सेफ रहोगी। कैथरीन कहती है कि जब मैंने तुमसे शादी की थी तुम बहुत ही अलग पर्सन थे, अब तुम क्या बन चुके हो। ग्राहम कहता है कि प्रेसिडेंट की डेथ तो होने ही वाली थी, वो किसी का भी सुनता नहीं था, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। वो कैथरीन से सॉरी कहता है, उसने कहा हमारे बेटे की डेथ के बाद मैं सिर्फ तुम्हें ही दोषी मान रहा था, वो एक एक्सीडेंट था जिसमें कैथरीन दोषी नहीं थी। ग्राहम ने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, वो फिर से उसके साथ नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता है। कहता है हम इन सब से दूर एक अलग कंट्री में चले जाएंगे। कैथरीन भी इस बात के लिए मान गई। शाम में वो लुशियन से मिलने के लिए जाती है, उसे कहती है तुम्हें नोटबुक में नहीं देने वाली, वो नोटबुक मेरी एक सेफ्टी है, अगर मुझे किसी ने भी हार्म करने की कोशिश की तो सारी चीजें मैं एक्सपोज कर सकती हूँ। लुशियन कहता है कि मैं उस नोटबुक को ढूंढ लूंगा, मुझे बताया कि तुमने उसे छुपाई हुई है किसी ऐसे आदमी के पास जिस पर मैं शक भी नहीं करूंगा। लुशियन को पता था कि डायरी एडम के पास है। कैथरीन इस बात से बहुत ही डर गई। वो लुशियन के पास आती है और कहती है प्लीज वो डायरी मुझे वापस कर दो, अब मैं यहाँ से चली जाने वाली हूँ। लुशियन कहता है कि तुम क्यों जा रही हो, वो कहती है कि लाइफ में पर्पस ढूंढने के लिए, मेरा बेटा, मेरा आर्ट, ये सब चीजें मेरी लाइफ को मीनिंग दे देते हैं, जैसे आप बड़े होते जाते हो तो ये चीजें आप लूज करते हो, ये हमेशा आपको ढूंढती रहनी चाहिए, कुछ न्यू चीजें ट्राई करना चाहिए। ये एडम के लिए एक लाइफ लेसन था। अगले दिन स्कूल से जब एडम जल्दी घर पर आता है तो उसका कमरा तहस नहस पड़ा हुआ था। लुशियन घर पर आकर कैथरीन की डायरी लेकर गया था। एडम कैथरीन के घर पर पहुंचा तो वहां लुशियन है, उसने उस डायरी को जला दिया। लुशियन एडम से कहता है कैथरीन जरा डिस्टर्ब थी, उसने अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी है और लास्टली वो जरा कंफ्यूज हो गई थी, जो तुमने पढ़ा और देखा इसके बारे में किसी को भी मत बताना। एडम पूछता है कि कैथरीन कहाँ है, लुशियन ने कहा कि आज तो तुम मिलने वाले थे। एडम उसी जगह पर कैथरीन से मिलने के लिए पहुंचा पर कैथरीन की नीचे गिरकर डेथ हो चुकी थी। कैथरीन के हस्बैंड को इसके बारे में पता चलने के बाद उसे भी बहुत बुरा लगता है पर लुशियन के खिलाफ वो कुछ कर भी नहीं सकता। कैथरीन की डेथ के बाद एडम बहुत अपसेट था। स्कूल में अपनी फ्रेंड्स के साथ उसकी बनती नहीं थी क्योंकि फ्रेंड्स के बीच में उसने फाइट लगाई थी, उसके फ्रेंड्स मिलकर उसे बहुत मारते हैं। उसने जो भी किया इसका उसे बहुत रिग्रेट होता है। घर पर आने के बाद उसे कैथरीन से एक कुरियर मिला, उसने मरने से पहले एडम के नाम पर एक कुरियर कर दिया था। इसमें पेंटिंग के अलग अलग पार्ट्स थे, इस पार्ट्स को जोड़ने के बाद एडम की पिक्चर बनी। कैथरीन के डेथ के बाद एडम को समवॉट एक क्लोजर मिल जाता है, इस एक्सपीरियंस से वो सीखेगा और आगे बढ़ेगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, ये बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।